व्हाट्सअप रेसलिंग फैंस, तो यार आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2018 फॉर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच के बारे में। तो यार जैसा कि आप सबको पता होगा कि रॉ के मैच में जहां पे रोमन रेंस ने बॉबी लैशली को आज हराया और अपना स्पॉट फिक्स कर लिया है मेन इवेंट में समर स्लैम में, जहां पे वो फेस करेंगे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच काफ़ी बार पहले भी हो चुका है, दो बार रेसलमेनिया में और एक बार ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में, जहां पे रोमन रेन को हर बार हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि समर स्लैम 2018 में ये क्राउनिंग मोमेंट होगा रोमन रेंस के लिए, जहां पे वो यूनिवर्सल टाइटल जीतेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपना मनी इन द बैंक कैश इन करें और रोमन रेंस फिर से टाइटल हार जाएं। पर्सनली मैं इस मैच के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर काफ़ी बार हो चुका है। यहाँ पे हमें अगर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली देखने को मिलता, या फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली देखने को मिलता, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। एक बात जो कंफर्म सी लग रही है वो है कि यूनिवर्सल टाइटल ब्रॉक लेसनर हारेंगे और रोमन रेंस विनर बनेंगे, या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन विनर बनेंगे। पर रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन में से ही कोई यूनिवर्सल चैम्पियन होगा और ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे अपना मैच हारना पड़ेगा। आप लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।